विधानसभा चुनाव परिणाम के इंतजार के बीच भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर बीजापुर कलेक्टर तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। दुर्ग सांसद और पाटन से भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल, बीजापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी महेश गागड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि पाटन के प्रत्याशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार थमने के बाद 16 नवम्बर को प्रचार किया है, जो कि आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में आता है। विजय बघेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग आयोग से की है। चुनाव के समय भी शराब जो बांटे जा रहे थे, शराब पकड़ा रहे थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक ऐसे अधिकारी, प्रमोटी अधिकारी को तीन तीन पद दे के रखे थे, उसकी भी जानकारी हमने दी थी, उसको भी नहीं हटाया गया। और साथ ही साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र पाटन में वहाँ के जो प्रत्याशी हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, 15 तारीख को चुनाव थम गया, साइलेंट चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन 16 तारीख को शाम को पूरे बाजा गाजा के साथ, ढोल ढमाके के साथ नारे बुलवाते हुए उन्होंने अपना प्रचार जारी रखा और ये उल्लंघन है और ये कानूनी अपराध है और इस अपराध की सजा या तो उनकी उम्मीदवारी ख़त्म की जाए और उनको 2 साल का कारावास हो, ये कानूनी धारा कहती है। वहीं बीजापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश गागड़ा ने आरोप लगाया कि बीजापुर कलेक्टर लगातार कांग्रेस विधायक के संपर्क में हैं, इसलिए उन्हें मतगणना से पृथक रखा जाए। भाजपा ने आयोग में पूर्व में इस मामले में की गई शिकायतों के दस्तावेज भी सौंपे हैं। लगा उससे पहले से ही बीजापुर कलेक्टर को लेकर लगातार हम शिकायत कर रहे थे और शिकायत के बाद किस तरह से कार्रवाई नहीं हुआ और जिस तरह से उनका भूमिका था और लगातार उसके बाद भी आप देखेंगे सोशल मीडिया में भी वहाँ पे जैसे बात आ रही है, देख रहे हैं हम सभी, मेरे साथ जितने प्रत्याशी हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जिनके निर्वाचन प्रक्रिया पे और चुनाव प्रक्रिया पे उनका भरोसा है, सभी लोगों ने शिकायत भी किया कि इस तरह से अधिकारी को। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव की वोटिंग से लेकर अब तक राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग ने कई शिकायतें की जा चुकी है।